प्लांट के पार्ट्स, प्लांट के हिस्से। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये हमारा क्या है, हमारे हेयर्स। इसी तरह से हमारे जो जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ट्रीज और प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स के हिस्से। तो अब हम आज यहाँ पे आउटडोर क्लास में आए हैं। कौन सी क्लास में आए हैं, कौन सी क्लास में आए हैं? आउटडोर। आउटडोर क्लास का मतलब क्या होता है, आउटडोर क्लास का मतलब क्या होता है? आउटडोर क्लास में बाहर आके हमें देखना है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कौन सी चीज कैसे है। तो प्लांट्स को हम यहाँ पे रूम में नहीं देख सकते, इसीलिए हम लोग आउटडोर क्लास में आए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। तो देखिए, अब जैसे कि प्लांट यहाँ पे हमारे पास जो बुक पे प्लांट दिया गया है, सेम प्लांट है, इसको हम समझ सकते हैं प्लांट को। दिस इज अ प्लांट, व्हाट इज दैट? जैसे जो जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैन, और जो छोटा होता है जब इंसान तो उसको बोलते हैं किड्स, बच्चे। ऐसे ही जब ट्री जब छोटा होता है तो उसको प्लांट बोलते हैं, राइट। और जब बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है, तो उसको हम ट्री बोलते हैं। जैसे वो ट्री है, यू अंडरस्टैंड, दैट इज ट्री, right? And this is a plant. Yeah. Understood now? Yes, sir. Proper. Yes. Very nice. Now see, the plant के different parts हैं। तो हम सबसे पहले roots, जो मिट्टी के अंदर यहाँ पे देखिए मिट्टी है, soil है। Soil के अंदर जो हिस्सा है जो हमें नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं roots. हिंदी में उसको बोलते हैं जड़ें। क्या है ये, पत्ता नहीं, लीव्स, पत्तियां, ये पत्तियां हैं, ये जाती लीव्स, ये पत्तियां हैं। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। अंडरस्टूड नाउ? अब इसके अंदर बेटा एक और चीज बताई गई है, दैट इज फ्लावर। इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे इसके फ्लावर आएगा। क्या आएगा? फ्लावर मीन्स फूल, और फ्लावर के साथ में फिर उसके बाद में ऐसे ही बड्स होता है, इसको हम बोलते हैं बड्स। क्या बोलते हैं? बड्स। और उसके अलावा फिर इसमें जब ये प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्री बन जाएगा, तो उसके बाद में ट्री बनने के बाद इसमें आएंगे फ्रूट्स, फल।